Back on this channel, के चाराइली मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ सो so, सबसे पहले बात करेंगे कि इसका कॉमन नेम क्या है वेरेट्रम विरिडी का कॉमन नेम है वाइट हेलीबोर पहला पॉइंट आता है द टंगील्स एज इफिट इट हैड बीन स्कॉड सो so, जो वेरेट्रम वेरिडी की टंग है ऐसा आप जब होम्योपैथिक मेडिसिन पढ़ते हो हर एक मेडिसिन में आप पढ़ते हो कि टंग डिफरेंट होती है नट्रमव्यूर की टंग अलग है एंटम टाट की टंग अलग है एंटम क्रूड की टंग अलग है सो so, ऐसे ही वेरेट्रम वेरिडी की जो टंग है इट फील्स लाइक जैसे कि वो जल गई है जैसे कि अगर आपकी कभी टंग जली होगी यू कैन फील दैट सिचुएशन एग्जैक्ट सेकेंड पॉइंट आता है मैंनेस्टल डिसऑर्डर विथ इंटेंस सैरिबल कंजेशन सो जो मैंस्टुलर डिसऑर्डर्स uh, आ रहा है वो किसके साथ में आ रहा है इंटेंस सैरबल कंजेशन के साथ सेरबल कंजेशन क्या होता है देर इज़ अ मोर ब्लड फ्लो टूवर्ड्स द सेब्रम जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंजेशन क्रिएट हो रहा है थर्ड पॉइंट आता है डिफिकल्ट एक एक वर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है डिफिकल्ट स्लो लेबर्ड ब्रीथिंग ठीक है सांस कैसे ले रहा है बहुत डिफिकल्टी से स्लोली स्लोली एंड दैट इज अबर्ड ब्रीथिंग एक्टिव कंजेशन ऑफ द चेस्ट तो सेलिवर कंजेशन भी देखने को मिल रहा है और एक्टिव कंजेशन ऑफ द चेस्ट एज वेल फोर्थ पॉइंट आता है हार्ट बीट लाउड स्ट्रॉन्ग विथ ग्रेट अर्टीरियल एक्साइटमेंट पर्स इनकम्प्रेसबल हाई टेम्परेचर सो दीज़ ऑल आर द हाईली इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने डिस्कस किए हैं ये बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैं डिस्कस कर रही हूँ इफ़ यू वॉन्ट मैं इसके नोट्स पे आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूँगी जो भी इम्पोर्टेंट हम बनाएंगे आगे फर्दर बट अभी आपको मैं ऐसे शॉर्ट तीन चार की नोट वाले वीडियोज़ शेयर करूँगी सो डोडेंट फॉर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल